से 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 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। आपने ये मोर्चा निकाला किस लिए? दो रोज पहले मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उनके सरकारी निवास स्थान जो दिल्ली स्थित है, वहाँ पर हिंदू सेना के कुछ नौजवानों ने पत्थरबाजी की असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ़, नारेबाजी घोषणाबाजी की और अपशब्द कहे, और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जो नेम प्लेट थी उसको तोड़कर पैरों से रौंदकर उस नाम की बेइज्जती और बेहुर्मती की गई। आज पूरे मुल्क में दबे कुचलों और पसमांदा लोगों की नुमाइंदगी अगर कोई कर रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इस मुल्क में कानून की बात अगर कोई कर रहा है तो असदुद्दीन अवैसी है। इस मुल्क के दस्तूर पर, संविधान पर, इस मुल्क के लोगों को चलने की तलकीन और इसके तहफ्फुज़ की अगर कोई बात कर रहे हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। बैरिस्टर असदुद्दीन के हज़ारों खुतबात है, पार्लियामेंट में सैकड़ों बहस है, लेकिन आज भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर इस मुल्क के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ या किसी समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काने का ना आज तक कोई कलम गुना दाखिल हुआ है, ना ही किसी तरीके का केस दर्ज हुआ है। इतने बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन, इतने महज़िब और इतने शाइस्ता लीडर, जिन्हें बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का खिताब भी मिला है और कई सर्वे की सूची में उन्हें एक महज़ब सांसद होने का अवार्ड भी मिला है, और अपनी बात को कानून के दायरे में रहते हुए पेश करने का तरीका जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी में है, शायद ही इस मुल्क के किसी नेता में। आज उनकी बातों को कोई नफी नहीं कर सकता। इतने जय्यद लीडर जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बड़े से बड़ा कानूनदान भी उनके एक लफ्ज़ को पकड़ता नहीं है या पकड़ नहीं सकता। आज ऐसे पार्लियामेंट्रियन की हिंदुस्तान को ज़रूरत है जो देश को जोड़ने की बात करे, देश की अखंडता की बात करे, देश की एकता की बात करे, लेकिन कुछ मजहबी सरफिरे जो इस देश के कानून पर यकीन नहीं रखते, जिन्हें इस देश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पर, जमहूरी दस्तूर पर यकीन नहीं है, जो इस देश में एक मानसिकता वाले लोगों का राज चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि ये देश सिर्फ एक मज़हब के मानने वालों का हो जाए, जिनकी ये कोशिश है कि इस देश में एक धर्म के अलावा दूसरे बाकी जाति धर्म के लोग जो है वो दूसरे नंबर के शहरी बन कर रहे, ऐसे लोग आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ये हक की आवाज़ है, ये निडर आवाज़ है, ये बेबाक आवाज़ है, ये मर जाएगी लेकिन ये कभी झुकेगी नहीं। ये उस आवाज़ का नाम है और आज हमें इस आवाज़ पर फ़ख्र है, आज हमें इस आवाज़ पर गर्व है कि कोई मुखन्नस किस्म का शख्स इस आवाज़ को बंद नहीं कर सकता, इस आवाज़ को दबा नहीं सकता। असदुद्दीन की आवाज़ मज़लूमों की, दबे कुचलों की आवाज़ बनकर इस मुल्क के चौक चौराहों में और ऐवानों में गूंजेगी। हम ये बताने नहीं आए हैं कि ये हमला हुआ है, हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर देश के एक सांसद के साथ इस तरीके का व्यवहार होता होगा तो इस देश की आम जनता इस बीजेपी शासन में वज़ीर आज़म
नरेंद्र मोदी के राज में और उनके चहेते वजीर दाखला अमित शाह के राज में इस मुल्क का हर आम शहरी अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है। एक सांसद जिसका अपना रुतबा है, जो अपने सरकारी निवास पर महफूज नहीं है, तो एक आम आदमी इस मुल्क में किस तरीके से महफूज हो सकता है? ये घटना इस बात को दर्शाती है और हम इस घटना की निंदा इसलिए करने आए हैं कि ये इस देश के हर आम शहरी की आवाज़ है, इस देश के हम हर आम बाशिंदे की आवाज़ है और उनके हक हुकूक की और तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ उठाने के लिए आज हम असदुद्दीन के साथ खड़े हुए। हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, असदुद्दीन अवैसी हमेशा कहते हैं अकेला घूमता हूँ, किसी की माँ ने अगर दूध पिलाई तो कॉलर को हाथ लगा कर बताए, लेकिन उनकी जान इस कौम का असासा है, उनकी जान की हिफाजत के लिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन्हें जेड सिक्योरिटी अता की जाए ताकि हमेशा इस मुल्क के दबे कुचले और मजलूमों की आवाज़ इस मुल्क में गूंजती रहे। इस बात को लेकर हमने जो है एक पैदल मार्च करते हुए ये मेमोरेंडम हमें प्रांत ऑफिस देना था और साथ ही साथ इस मुल्क के कानून, इस मुल्क के दस्तूर के मेमार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर जाकर एक तरीके की अलामती हमें धरना देना था, बात कहनी थी कि कानून के रखवाले और कानून के बनाने वाले जब इस मुल्क में महफूज नहीं है तो आम आदमी किस तरीके से महफूज रह सकता है। ये बात को लेकर वहाँ अलामती धरने के बाद जो है प्रांत ऑफिस को जो है जाकर ये हमें मेमोरेंडम देना था, लेकिन बीच में पुलिस ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हुए हमारे इस हक को हमसे छीना है, हमें गिरफ्तार किया, डिटेन किया, हमारी गिरफ्तारी अमल में आई, रिहाई अमल में आई, लेकिन हम 4 से 5 लोग जो जाकर प्रांत ऑफिस में ये मेमोरेंडम देंगे और ये हक की लड़ाई लड़ती रहेंगे।